What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Studio Family. तो ये हमारा होता है यूपीएससी फोकस्ड प्रीलिम्स डिस्कशन, जिसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर, स्टैटिक्स और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं आज के डिस्कशन में हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चन है। आप लोगों को जैसे क्वेश्चन दिखे वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और उसके बाद में आगे बढ़िएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तभी आप लोग कंफर्टेबल फील कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग डेली डिस्कस करते हैं एक जीआई टैग के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा जो हमारी कंट्री में कुछ स्पेशल प्रोडक्ट को दिया जाता है उनके बारे में। लास्ट जो आप लोगों से पूछा गया था ये था कटरनी राइस। कटरनी राइस ये स्पेशल आप लोगों को देखने को मिलेंगे बिहार के अंदर, रजिस्टर किया गया था इसे रिसेंटली 2018 में ही। और यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, कई बार एग्रीकल्चर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है पर लेकिन यहाँ पर ये फूड स्टफ के अंदर आता है। ओके, तो बिहार के अंदर रजिस्टर किया गया 2018 में, रिसेंटली रजिस्टर किया गया इसलिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फूड स्टफ की कैटेगरी में आता है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आज का जो आप लोगों का जीआई टैग है ये काफी इंपॉर्टेंट है और खासकर आप लोग देखते हैं हिस्ट्री में कई बार कल्चर से रिलेटेड भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स, तो कौन से राज्य में इसको दर्जा दिया गया और कब रजिस्टर किया गया और किस कैटेगरी में ये आता है, तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में आप लोगों को जाकर पढ़ना है। तो तीन स्टेटमेंट आप लोगों को देखनी है इसके बारे में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात की जा रही है अन्ना क्राकाटोवा, ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था तो आप लोगों को ये बताना है कि ये किस किस के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। या फिर डायरेक्ट आप लोगों से कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, तो इस तरीके से आइडिया रखिएगा। तो पहला जो यहाँ पर बोला गया है ये है बोर्नियो और सुलावेसी। दूसरी स्टेटमेंट है सिंगापुर एंड पेनिनसुलर जो मलेशिया है। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर सिंगापुर और सुमित्रा। और चौथी स्टेटमेंट है सुमित्रा और जावा आइलैंड। देखिए रिसेंटली अभी इंडोनेशिया में बाढ़ देखने को मिली, सुनामी देखने को मिली, कई सारी कंडीशन, तो वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया वोल्केनो के द्वारा, तो उसी एरिया की बात यहाँ पर ये की जा रही है, इसी वजह से यहाँ पर न्यूज में था। तो आंसर तो है इसका डी जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये क्या है आंसर? आंसर है सुमित्रा और यहाँ पर ये हो गया जावा आइलैंड। तो एग्जैक्ट एक बार लोकेशन आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके किस पर्टिकुलर एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ये इधर हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर लोकेशन एग्जैक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे था जहाँ पे ये लोकेशन देखने को मिली एग्जैक्ट। अब इसको अपनी कंट्री कंपेयर में देखिए, यहाँ से ये यहाँ पे इंडोनेशिया में ये काफी कुछ प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से ये पर्टिकुलर जो जगह थी ये न्यूज में थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया यहाँ पर डी। तो इस तरीके से आप लोगों से जो न्यूज में जगह होगी उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो ये एक तरीका आइलैंड है, एक सुमित्रा स्टेट जो कि यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर पाया जाता है, जो जावा और सुमित्रा आइलैंड इंडोनेशिया के अंदर, तो उसके बीच में यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों जहां पर वोल्केनो इरप्शन देखने को मिला। तो हल्का सा आइडिया रखिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज में भी था यहाँ पर अभी रिसेंटली, पीसीए जिसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसी पर्टिकुलर बैंक के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहले बोला गया कि जो बैंक होता है जैसे पीसीए के नॉर्म्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है आरबीआई के द्वारा, क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि कर्व कर दिया जाता है उसका लैंडिंग और डिपॉजिट बाय बैंक्स, जो कि मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर दो तरीके की होती है, एक तो मैंडेटरी देखने को मिलेगी और दूसरी थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी टाइप की होती है, तो उसमें से यहाँ पर जो कर्व किया जाता है लैंडिंग और डिपॉजिट वो मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन में आता है। तीसरा यहाँ पर बोला गया कि अगर पीसीए ट्रिगर किया जाता है तो बैंक को अलाउ किया जाता है रिन्यू और एक्सेस करने के लिए कॉस्टली डिपॉजिट। तो ये है स्टेटमेंट, तो आंसर है आप लोगों के सामने फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड और थर्ड, वन और टू और वन और टू, वो वन और थ्री और वन और टू। और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है वो है कि ये इनकरेक्ट पूछा गया है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग धोखा खा जाते हैं, तो आइए इसका आंसर देखते हैं उसके बाद में आप लोग ढंग से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले बात की जाती है जो पीसीए की, अगर किसी के ऊपर रेगुलेशन आरबीआई के ऊपर लगाए जाते हैं तो कई तरीके की जो चीजें होती हैं वो रोक दी जाती है बैंक की, जैसे कि वो अपनी ब्रांच जो है वो नहीं बढ़ा सकता है, इसी के साथ में लिमिटेड उसकी एक तरीके से जो उसको जो किसी को लोन देना होता है वो उसका लिमिटेड कर दिया जाता है, खासकर प्राइवेट एंटिटी को देने से मना कर दिया जाता है। इसी के साथ में जो कॉस्टली उसके डिपॉजिट होते हैं उसको एक्सेस करने से मना कर दिया जाता है। इसी के साथ में जो उसको बोला जाता है कि किसी न किसी तरीके से जो एनपी है उसको वो कम करें, साथ ही साथ में उसको जो नई जो लाइन जो बिजनेस होता है आगे बढ़ाने से, यानी कि अगर बैंक में कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है वो मना कर दिया जाता है। इंटर बैंक जो इंटर बैंक मार्केट है, यानी कि आपस में जो बैंक एक दूसरे से यहाँ पर उधारी ले लेते हैं वो सब मना कर दिया जाता है। तो इस तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि वो पहले अपनी खस्ता हालत है उसको सुधारे और उसके बाद में जो भी काम करना है उसको आगे स्टार्ट करे।
इवन यहां तक भी कर जाता है कि बैंक का नया मैनेजमेंट जो है वो रिप्लेस कर दे, पुराना मैनेजमेंट रिप्लेस कर देता है नए मैनेजमेंट के साथ में, और पूरा यहां पर कंट्रोल कर लिया जाता है आरबीआई के द्वारा, अगर उसको ये लगे कि हाँ ये बैंक डूबने वाला है, इसको किसी भी हद तक बचाना पड़ेगा। तो यहां पर दो तरीके की रिस्ट्रिक्शन मिली है, एक तो है मैंडेटरी और दूसरी है डिस्क्रिशनरी। तो जो मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन है उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से इलीगल जो भी यहां पर इंक्लूडिंग द जो जो लेंडिंग और डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो ये मैंडेटरी डिस्क्रिमिनेशन में आता है, यानी किस तरीके से इसको एक तरीके से कंट्रोल करना है। और दूसरा रिस्ट्रिक्शन जो है यहां पर ये देखने को मिलेगा कि एक्सपेंशन होता है, जैसे कि डायरेक्टर ये कंपोजिशन होता है उसको चेंज करना, तो ये इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शन होती है ये वाली मैंडेटरी होती है, ठीक है। यानी कि जो ब्रांच एक्सपेंस करना है या ये सारी करनी है ये तो मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, या फिर इसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी हो रही है उसमें क्या किया जाता है, जो लेंडिंग और डिपॉजिट होता है वो रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिली वो यहां पर मैंडेटरी बोला गया जबकि डिस्क्रिशनरी थी, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया आप लोग इसके बारे में रखिएगा। तो आंसर इस तरीके से देखिए आप, ये हो गया यहां पर बी, ठीक है, तो बी आंसर हो गया ये, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। अगर करेक्ट पूछता तो यहां पर ओनली वन आंसर हो जाता, इसीलिए ये ऑप्शन सबसे ऊपर दे रखा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन आज के डेट में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, पर्टिकुलर सिटी पर्टिकुलर जगह न्यूज में है और उसकी कंट्री का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो ये है आप लोगों के सामने। तो सबसे पहला जो बोला जा रहा है कैटलोनिया, कैटलोनिया अभी काफी रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कैटलोनिया में रेफरेंडम की बात की जा रही थी, तो क्या ये स्पेन में पड़ता है। दूसरा है क्रीमिया, क्रीमिया रशिया को लेकर काफी न्यूज में था, तो ये कहां पर पड़ता है इस तरीके से बोला जा रहा है आप लोगों। तीसरा है यहां पर ये है मिडानाओ, मिडानाओ बोला जा रहा है कि फिलीपीन में पड़ता है, ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में था। चौथा यहां पर बोला जा रहा है ये है यहां पर ओरोमिया यहां पर बोला जा रहा है नाइजीरिया में पड़ता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन से के साथ में मैच करता है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि वन टू और थ्री ओनली, थ्री और फोर ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड फोर ओनली, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट सही है वो है कैटलोनिया स्पेन में था, ये कि काफी न्यूज में था, रेफरेंडम की बात की जा रही थी। क्रीमिया जो है ये यहां पर गलत हो गया, क्योंकि क्रीमिया जो है यहां पर ये हंगरी में नहीं है, यूक्रेन का जो पोर्शन है वो छीना गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। तो इस तरीके से दो तो आप लोगों के ऑप्शन आउट हो गए। नेक्स्ट यहां पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, मिडानाओ के बारे में, ये फिलीपीन में था, तो तीसरा सही हो गया यहां पर। और तीसरा यहां पर ये है ओरोमिया, ये इथोपिया में है ना कि नाइजीरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों की कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही होगी आप लोगों की, तो आंसर यहां पर सी हो गया। तो इस तरीके से जैसे आप लोग न्यूज़पेपर सुनते हैं तो ये जगह कई बार न्यूज में आते हैं, इसलिए वहां पर मैं मैप पर फोकस देकर उनका चलता हूं, ताकि कोई भी ऐसी लोकेशन है दो चार बार आप लोगों की अगर रिपीट हो जाएगी तो माइंड में आप लोगों के सेट हो जाएगी, तो इसलिए अच्छे से वहां पर फोकस दिया कीजिए जब वहां पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन है यहां पर कि नेशनल मिशन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो यहां पर ये लॉन्च किया गया किस मिनिस्ट्री के द्वारा। अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है डायरेक्ट मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों से पूछा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के सामने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा ऑप्शन यहां पर ये है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तीसरा ऑप्शन है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और डी ऑप्शन है यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अच्छा, यहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं दिया, वरना वो भी दिया जा सकता था, जो कि और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। अब क्या बात है, यहां पर आंसर हो गया यहां पर डी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च किया गया था ये नेशनल मिशन ऑन गवर्नेंस, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, जिसको NMGB बोला गया है, ठीक है। इसी के साथ में ये 5 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था, और फोकस यही था कि जो भी यहां पर जो मिनिस्ट्री होती है जिनका मिशन होता है कि क्या क्या अडेप्ट किया गया, कहां से किया गया, प्रोक्योर करना है, तो मेजर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी उनकी एजेंसी के तहत, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है। तो आंसर हो गया यहां पर डी, आंसर हो गया डी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री। आगे चलता हूं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट के बारे में बात की जा रही है, खासकर जो फॉरेस्ट में जो भी प्रोड्यूस होता है और उसको बेच कर, मान लीजिए फॉरेस्ट में जो जंगलों में शहद प्रोड्यूस होता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस शहद को बेचते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो उसी के बारे में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मिनिमम इतना तो मूल्य कम से कम मिलना ही चाहिए उनको अपने जो माइनर फॉरेस्ट होता है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए उनको जो लघु वनोपज होती है, यानी कि जो वन में जो भी उपज होती है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे पहले बोला गया कि MSP फॉर MFP यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सॉरी, ये 2016 में स्टार्ट किया गया था इंश्योर करने के लिए, ताकि उनको कुछ तो मिल सके अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला गया स्कीम एप्लीकेबल है ऑल द स्टेट, यानी कि 29 स्टेट में हमारी कंट्री में ये एप्लीकेबल है। तीसरा बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नोडल एजेंसी है इसको इंप्लीमेंट करने वाली, ठीक है। और यहां पर पूछा गया कि कौन सा करेक्ट है, ये जरूर पढ़ा कीजिए जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आंसर है ए है यहां पर फर्स्ट ओनली, बी है यहां पर 1 एंड 2, सी है यहां पर 2 एंड 3, डी है यहां पर 1 एंड 3। तो कौन सा सही है इसके बाद में आंसर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। तो आंसर तो हो गया इसका सी। तो क्या क्या है यहां पर पॉइंट, यहां पर यह है कि जो यहां 2000
ये 16 दे रखा है, ये 2013 है, ठीक है, यानी कि 2013 में स्टार्ट की गई थी स्कीम। दूसरा जो ये इंप्लीमेंट की गई थी ऑल द स्टेट में 2016 में इंप्लीमेंट की गई थी, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को ऊपर 16 भी दे दिया। ये जो मिनिस्ट्री है, माइनर फॉरेस्ट की बात की जाए तो सीधा सीधा ट्राइबल कम्युनिटी की बात की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड नोडल जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये तो स्टेटमेंट आप लोग वैसे ही समझ जाएंगे, तो कहने का मतलब ये फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही आप लोग एक तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट की बात की जा रही है, तो कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करके भी कई सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बात की जा रही है येलो वेस्ट के बारे में। ये एक तरीका मूवमेंट रिसेंटली अभी किसी कंट्री में चला और वो भी एक यूरोपियन कंट्री थी, तो आप लोगों को उस कंट्री का नाम बताना है, आखिर मूवमेंट किस लिए था। वहां पर कई सारी चीजों के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए, टैक्स बढ़ाने की बात की गई, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जो है वो सड़कों पर आ गए कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था। इनके जैसे हमारी कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया, अगर हम लोग सड़कों पर आ जाते हैं कि नहीं भैया हम नहीं जीएसटी को इंप्लीमेंट करने देंगे, काइंड ऑफ मूवमेंट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट था यहाँ पर, ये रिसेंटली कहां पर था, यूके में, ए स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट है फ्रांस में, सी स्टेटमेंट है जर्मनी, और डी स्टेटमेंट है तुर्की। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है, तो सही आंसर है इसका ये है बी स्टेटमेंट, यानी कि फ्रांस में, फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा नवंबर में ये कंडीशन देखने को मिली जब यहाँ पर लोग जो है सड़कों पर आ गए, क्योंकि जो थे यहाँ पर पेट्रोल यानी कि जो फ्यूल के प्राइस थे वो बढ़ गए, जो लोगों की रहने की जो एक तरीके से चीजें थी डे बाय डे की चीजें वो बढ़ती हुई नजर आई, थोड़ा टैक्स का बटन भी देखने को मिला, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए, तो इस मूवमेंट को यहाँ पर येलो वेस्ट मूवमेंट बोला गया। ओके, तो ये फ्रांस के अंदर था, जो कि काफी इंपोर्टेंट कंट्री है यूरोप की। ओके, तो आंसर हो गया यहाँ पर बी। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ आप लोग एक बार देख लीजिए कि किस तरीके होते हैं, ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाए। तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर देखते हैं, ये रंग बिरंगे इस तरीके की जो आकृतियां होती हैं, खासकर ओशन में आप लोगों को देखने को मिलती है, पर लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है इनकी जो हालत है वो कई बार बर्बाद हो जाती है, यानी कि इनका कलर फेड होने लगता है इस तरीके से, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि कलर जो होता है वो खत्म हो जाता है, खासकर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ता है। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, एक तरीके से जिस तरीके से पृथ्वी पर फॉरेस्ट होते हैं उसी तरीके से जो ओशन के अंदर होते हैं ये उसी का काम करते हैं, लगभग बहुत सारी जो ओशन के अंदर रहने वाली जो जातियां हैं प्रजातियां इनके ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ जो है ये ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में बोला गया है, क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोला गया है कि वर्ल्ड के 1/3 जो कोरल रीफ हैं ये लगभग ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन में पाए जाते हैं, तो क्या ये सही है। तीसरा बोला गया कि जो कोरल रीफ होस्ट होते हैं ये नंबर ऑफ जो एनिमल्स होते हैं बहुत लार्जली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो क्या स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर हो गया डी। नॉर्मली 30 डिग्री जो नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है उसके बीच में ये मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा कंट्री बीच में, और ये देखिए इंडोनेशिया, और ये यहाँ खासकर जो ऑस्ट्रेलिया वाला ये वाला रीजन है जो बोला गया था उसमें मैक्सिमम यहाँ पर ये कोरल रीफ पाए जाते हैं, यानी कि जो मैंने अभी आप लोगों को जो स्टेटमेंट बताई यहाँ पर, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि आंसर डी हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन में सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, और इसी के साथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली बात बोली वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है, ठीक है, ये आप लोग देखते हैं। ओके, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इंसिलेटेड जब ये न्यूज में होते हैं। तो आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में है, और ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि यहाँ पर कौन सा फॉरनर जो ट्रेवलर था वो हमारी कंट्री में आया, जिसने डिस्कस किया अब डायमंड और यहाँ पर डायमंड माइंस हैं हमारी कंट्री में उनके बारे में, तो कौन है यहाँ पर। तो आंसर यहाँ पर इसका बी है, जीन बैपिस्ट त्रिविनिया। ये फ्रांस के एक ट्रेवलर थे जो कि हमारी कंट्री में आए, और जब इनके द्वारा लिखा गया हमारी कंट्री के बारे में तो इन्होंने ये डायमंड और यहाँ पर डायमंड माइनिंग के बारे में डिस्कस किया काफी कुछ। देखिए इस तरीके से जो अलग अलग कंट्री से हमारी कंट्री में विजिट करने के लिए आते हैं पुराने टाइम में, उन्हीं के बारे में जब किताबें कुछ लिखी जाती हैं उस टाइम के ड्यूरेशन की, उसी से हम लोग को अपनी हिस्ट्री जानने के लिए मिलती है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है यहाँ पर, जो कि आप लोगों के सामने हो गया बी, और ये फ्रांस के थे जो कि हमारी कंट्री में लगभग 1600 ईस्वी में ये हमारी कंट्री में इनके द्वारा विजिट किया गया था। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना मत भूलिए। इसी के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जहां पे आप लोग कनेक्टेड हैं शेयर कर दीजिए, ताकि और भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। इसी के साथ में मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा द हिंदू डिस्कशन। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार, और जोश जो होना चाहिए वो मॉर्निंग में हाई होना चाहिए, ताकि इवनिंग तक आप लोग अपने काम को अच्छे से कर सके। तो हाउ इज द जोश, तो कमेंट में लिखो कि कैसा है आप लोग का जोश। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।